क्योंकि यहां कोई खीवसर के अंदर कोई जादूगर की जादूगरी का मुद्दा नहीं है। यहां हमारे बहुत भरे मन से बोलती हूं मैं कि हमारे समाज की दलाली टाइप की चल रही है। हमारे नेता आज भी आपके जो यहां पे विधायक हैं वो बीजेपी के साथ में मिलकर के और विधायक बने। आज जो सांसद हैं वो 24 में से बीजेपी ने एक सीट छोड़ी थी और उस पे चुनाव लड़ करके और सांसद बने। और जहां कहीं जाते हैं, फड़फड़ाहट बहुत हो रही है जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, उनको लगा कि अब तो मामला भारी हो गया, तो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े बयान दिए जैसे वो अक्सर किया करते हैं। एक भाषण में बोले, एक टीवी इंटरव्यू में बोले क्या है ये मिर्दा, कुछ नहीं है मिर्दा, पार्टी बदल लेते हैं, इधर बदल लेते हैं, इसके दादा बदल लेते थे, इसने बदल ली, इसे परी पार्टी कर दी। अरे आप जिस परिवार से आते हो, आप जिस खानदान से आते हो, रामदेव जी ने आप लोगों का प्रतिनिधित्व किया, पहला चुनाव कांग्रेस से लड़े और जीते, दूसरा चुनाव कांग्रेस अर्श से लड़े, तीसरा चुनाव लोकदल से लड़े, चौथा चुनाव जनता दल से लड़े और पांचवा चुनाव लड़ने के लिए जब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनका देहांत हो गया और वो चुनाव कैंसिल हुआ। हनुमान बेनीवाल जी जब खुद आए तो पहला चुनाव इनलो से लड़े, उसके बाद बीजेपी से विधायक रहे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। मेरे सामने जब बात करते हैं कि इतनी बार तो हरा दिया, बार बार क्या हराता रहूंगा, यही मेरा काम रह गया, भाई साहब चुनाव तो आपने दो लड़े हैं, 2014 में आप दलालियां खाने के लिए निर्दलीय लाए थे चुनाव ताकि ज्योति मिर्दा के वोट बढ़ सके और कहीं आसानी हो, ज्योति मिर्दा चुनाव जीत जाए, पर आपकी तो जमानत जब्त हुई थी तो जीते तो सीआर साहब थे उस टाइम। और रही बात 2019 में, तो वो चार टायर जो थे ना जो लेकर आए थे वो सारे के सारे बीजेपी के गाड़ी के टायर थे जिनके दम पे वो चुनाव जीत करके गए थे यहां से। फिर उनको लगा ये तो गड़बड़ हो गई, बीजेपी का तो भीड़ू बनने में अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है वो गहलोत साहब की है, और अपने जो छोटे बड़े मोटरसाइकिल छुड़वाने के और अपने टोल फ्री कराने का और किसी को छोटे मोटे जो पुलिस में काम चलते रहते हैं, बोले ये काम तो रुक गए अब क्या करें, तो उन्होंने कहा काम नहीं चलेगा। जितने में जो हमारी सरकार थी वो दो हिस्सों में बट गई और एक टांग पे आ गई, सरकार गिरती सी दिखी तो लपक करके बीजेपी का दामन छोड़े हुए अपने 3 MLA को लेकर के और गहलोत साहब के चरणों में जाकर के पड़ गए कि साहब आप चिंता मत करो, आपकी सरकार अगर हिलेगी ना तो वोट मैं दूंगा। तो कभी तो कहते हैं कि मैं सहयोग करने गया था सचिन पायलट जी का, कभी कहते हैं कि मैं सहयोग करने गया था अशोक गहलोत जी का, और अब बड़ा दम भरते हैं मैं वसुंधरा जी के साथ नहीं, मैं अशोक गहलोत जी के साथ नहीं, मैं तो अपने हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। तो आज उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के जिसको कहते हैं कर्म भूमि में, मंच के माध्यम से ज्योति मिर्दा ये चुनौती देती है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ घालमेल करे बिना आओ और मैदान में चुनाव लड़ो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये जो अंदर की घालमेल की राजनीति है इसमें आप जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो। ज्योति मिर्दा आप जानते हो जब यहां पर हरिंदर जी खड़े हुए थे बाय इलेक्शन के टाइम पे, हम चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों के बीच में आए थे, मैंने ईमानदारी से अपना प्रयास किया था कि मेरी पार्टी जीते, उस टाइम मैं कांग्रेस में थी। हरीश चौधरी जी प्रभारी मंत्री थे और आपने उन्होंने बयान देखा होगा क्या बोले थे कि ज्योति मिर्दा को खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि उसने ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए काम किया था। और ये खामियाजा सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं तो बीजेपी में आ गई, शायद आप लोगों की बात आगे रख सकूं, अगर आप मुझे ताकत दो मौका दो तो हो सकता है कि मैं आपके काम आगे करा सकूं। लेकिन सावचेत रहना है, और सावचेत क्यों रहना है क्योंकि ऐसी रणनीति कई विधान सभा क्षेत्रों के अंदर रिपीट करने की बात चल रही है। मुझे लगता है कई ऐसे नेता हैं, विशेष तौर से हमारे समाज के नेता हैं जो लाइन में आए हुए हैं,
जहां पे दलालियां खा करके और उनको हरा करके, और जो कहते हैं ना कि भाई कोई लीडर ही मत बनने दो। आप लोगों ने देखा है कि क्या पिछले कुछ समय में लोग मुझे कहा करते थे कि भाई बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है। मैंने बीजेपी के अंदर आकर के देखा है, खूब मान सम्मान देते हैं। स्वर्गीय नाथुराम जी को आज जितने भाजपा के लीडर्स ने मान सम्मान दिया है, उतना शायद आज कांग्रेसी भी याद नहीं करते। और मैं बहुत गर्व से इस मंच पे खड़े होकर के कहती हूं कि आज इस पार्टी के अंदर आकर के मुझे एक सेकंड के लिए भी अटपटा नहीं लगता। मेरा सीना चौड़ा होता है जब मैं यहां पे बैठ करके और भारत माता की जय बोलती हूं। भारत माता की। टिकट लेकर के जो भी हमारे बीच में कैंडिडेट आता है, हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये जो एक क्षेत्रीय दल बना करके, जो हमारे विशेष तौर से हमारे समाज के साथ में जो दलालियां करी जा रही है, जो हमारे युवाओं को बिगाड़ा जा रहा है, जो अवैध धंधों में उनको फंसा करके और उनके रास्ते गलत रास्ते पे उनको चढ़ाया जा रहा है, इस सब के लिए एक रोकथाम हो सके और हमारा जो समाज है वो भी आगे बढ़ सके, मिलजुल के सबके साथ आगे बढ़ सके। आज आपने देखा हमारे बीच में पीर साहब, बड़े पीर साहब ने भी आज बीजेपी ज्वाइन करी। ये एक और उदाहरण है कांग्रेस के ही एक घटक दल, इंडिया के जो घटक दल थे, साउथ के हैं शायद, पता नहीं, समझते कम है क्या, कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करेंगे, वो क्या एड्स है, कैंसर है और पता नहीं क्या क्या बता दिया, डेंगू मलेरिया है, इसके वैक्सीन बनाओ। सनातन एक ऐसा धर्म है जो सबको कहता है आओ, किसी को नहीं कहता कि आपके लिए हमारे पास में जगह नहीं है। और ये इस देश की परंपरा रही है, अगर आप अपना रास्ता चुनना चाहते हैं दिव्य शक्ति तक पहुंचने का, तो आप अपना रास्ता चुन लीजिए। इन्होंने एक कांग्रेस की तरफ से, मैं सोचती हूं कि एक बयान आना चाहिए था, अगर उनके घटक दल ने इस तरीके का एक बड़ा बयान दिया सनातन धर्म को लेके। अरे सनातन वो गोंद है जो हमारे इस लड्डू को चिपका करके रखता है, जो इस देश को भारत देश बना करके रखता है। हम किसी के लिए नहीं कहते कि साहब आप गलत हो, हम कहते हैं आप भी सही हो, हम भी सही हैं, आप भी आओ, हमें भी शांति से जीने दो। लेकिन हमारे देश में ही आकर के हमारे ही लोग हमारे को अगर ये कह दें कि सनातन को खत्म करना है, तो वो एक गलत बात है और इसकी मैं इस मंच के माध्यम से निंदा करना चाहता हूं।